इवेंट हम लोगों ने शुरू करी है। इसमें जो भी ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर सकता है। बहुत हो गया। और अपने क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसमें जो हमारे और साथी हैं वो और हम लोग, मैं और वो लोग, हम लोग सब उन लोगों की क्वेरीज को अटेंड करेंगे। तो किसी का कोई भी सवाल हो अपनी पत्री से रिलेटेड या अपने किसी जानकार की पत्री से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे पूछ सकता है। जैसे कोई चार्जेस या फीस नहीं है, एनीबडी कैन ज्वाइन दिस कॉल। सो और आई ये हैव अ क्वेरी। हर संडे 4 बजे ये करा करेंगे, ठीक है? 1 घंटे का सेशन रखते हैं, जितना चल जाए। 1 घंटा तो मैं कहते ही हूँ हमेशा। सर मुझे एक क्वेरी है। पूछिए। सर जैसे आई एम बोर्न इन मुंबई एंड अभी मैं मुंबई से थोड़ा दूर हूँ जहाँ हूँ, बट आई वांट टू अगेन गो बैक टू मुंबई। तो यहाँ पे मेरा ये काम बहुत ज्यादा फुली फ्लेज्ड है सर। सो एम आई डूइंग द राइट थिंग टू गो बैक टू मुंबई एंड ओपन अप ऑफिस देयर ऑल्सो? देखो, एक बात आप लोगों को मैंने शायद पिछली वाली क्लासेस में भी बताई थी, फिर से बता रहा हूं। किसी का भी लगन फर्स्ट हाउस राहु केतु शनि से इन्फ्लुएंस्ड हो, उस इंसान में जितना वो अपने घर से दूर जाएगा उतनी उसकी ग्रोथ होगी, अपने घर के जितना पास रहेगा उतनी उसकी परेशानी होगी। ठीक है? लगन में बैठा हुआ कोई भी पापी ग्रह आपको अपने घर से दूर होने का सीधा सीधा हुक्म सुनाता है। तो आप अपने बर्थ प्लेस पे वापस जाओगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, जो ग्रोथ है वो खत्म हो जाएगी। थैंक यू सर। आपके केस में क्या है वो आपको पता है, तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करना, समझना जरूरी, लेकिन ये रूल है। ठीक है? और ऐसा आदमी अगर 1,000-1,200 किलोमीटर दूर चला जाए अपने घर से, तो उसके तो लाइफ ही बदल जाए। अगर अपना रेजिडेंस दूर रखें और वर्क प्लेस, एक और अगर बर्थ प्लेस जहाँ पे बॉर्न हुए वहां पे रख सकते हैं अगर रेजिडेंस शिफ्ट ना करें तो? देखो, अपने घर के पास या अपने बर्थ प्लेस के पास जाने से फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, ये कंफर्म है। ओके सर। ठीक है? अब वो आप एक टांग इधर फंसाओ एक टांग उधर फंसाओ, तो 50% प्रॉफिट 50% लॉस। ओके सर। ठीक है? अगर ये इक्वेशन आपको जमती है तो ठीक है, नहीं थैंक यू जमती ना। सर। थैंक यू अपने सर। जन्म स्थान से जितना दूर रहोगे उतना फायदे में रहोगे। ओके सर। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी कोई और रेमेडी नहीं है, कम से कम मुझे नहीं मिली कि कोई अगर इसका अल्टरनेट कर ले, कुछ रेमेडी कर ले तो उससे कुछ फायदा हो जाएगा, बात बन जाएगी। मैंने नहीं देखा कम से कम। तो बेस्ट है वो यही है कि आप फॉर्चुनेट हो कि आप वहां से दूर हो। ओके सर। ठीक है? गड़बड़ यस मत सर। करना। ओके सर। थैंक यू सो मच सर। टी जंक्शन पे आ सकती है नेगेटिविटी, टी जंक्शन पे आ सकती है रोड हेड पे नेगेटिविटी अगर है रोड, मतलब मेन डोर तो। हाँ, वहां पे नेगेटिविटी बहुत आती है सर। अगर टी जंक्शन पे जी है तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आएगी। जी वहां पे आप यूज कर सकते हो ग्लास को, मिरर को, गणपति को भी यूज कर सकते हो वहां पर, क्योंकि अल्टीमेटली उनसे टकरा गए तो कोई चीज वापस बची नहीं सकती ना, क्रॉस नहीं कर सकते। नहीं सर, मैं तो नॉर्मल से आजकल लोग घर के डेकोरेशन करते हैं तो मेन डोर पे लगाते हैं बड़ा सा मिरर, नहीं, वो इसलिए गलत पूछ। है, गलत गलत नहीं लगाना चाहिए। आपके घर में आने और वाली पॉजिटिविटी को आप खुद ही वापस कह रहे हो ना, रीडायरेक्ट कर रहे हो, नहीं मेरे आनी चाहिए, तुम चाहो, यही कर रहे हो ना, तो हाँ जी हाँ जी। फिर कैसे फायदा दे जाएगा आपको? और सर बेडरूम में अगर मिरर लगाना है वॉल पे तो वो किस वॉल पे होना चाहिए? बेडरूम में अगर मिरर लगा होगा तो
और आपका सोने के समय में बॉडी का जो हिस्सा उस मिरर में दिखाई देगा उस हिस्से का सर्जरी ऑपरेशन हो जाएगा, या उस हिस्से से रिलेटेड कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज जरूर आएंगे, 100% आएंगे। बेडरूम में मिरर बना है, एनर्जी को डबल कर रहा है ना, इम्बैलेंस क्रिएट करेगा बॉडी के जिस पार्ट पे, वो इम्बैलेंस क्रिएट करेगा वो पार्ट इफेक्टेड हो जाएगा, इफेक्टेड होगा तो बीमार है, तो सर्जरी होगी, कोई ना कोई इश्यू आएगा, कुछ भी हो सकता, नॉर्मल नहीं रहेगा, ये बात कंफर्म। ठीक है सर, थैंक यू सर। पूछने के लिए बुलाया मैंने सब लोग। हेलो हेलो, हाँ जी सर, नमस्ते, मैं दुर्गा। हाँ नमस्कार, कैमरा ऑन करके बोलो, कैमरा ऑफ करके नहीं अटेंड होगा कोई, सर थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं कर देती। सर क्वेश्चन ये है कि जैसे लगन रहता है, लगन का त्रिकोण को अच्छा माना जाता है, 1-5-9 को, एक एक में जैसे लगन के ऊपर पांचवें घर का और नौवें घर का ओनर बैठा हुआ है लगन में, तो वो कैसे रहेगा? सवाल नहीं समझा। सर लगन है, लगन 9 नंबर है, धनु लगन है, और पांचवें घर में हो गया मंगल की राशि, और नौवें घर में हो गई आपके सूर्य की राशि, और वो दोनों ही लगन में बैठे हुए हैं, मंगल और सूर्य। ठीक है, तो वो कैसा माना जाएगा, तो उसमें वो कैसा रहेगा, अच्छा रहता है कि खराब रहता है लगन में ही? अच्छा, मंगल सूर्य धन, एक चीज समझो, कभी भी कोई भी चीज 100% ना अच्छी होती है ना खराब होती है, वो डायमेंशन एक होगी जिसमें वो फायदा दे रहा होगा, दूसरी डायमेंशन होगी जिसमें वो नुकसान दे रहा होगा। हमेशा कोई भी ग्रह प्योर नहीं होता, अच्छा, वो कहीं ना कहीं से इफेक्टेड हो रहा होता है, या अलग अलग समय में अलग अलग इफेक्ट दे रहा होता है, डिपेंडिंग ऑन ट्रांजिट। ठीक है, अब ट्रांजिट में कुछ समय खराब आएगा तो उस समय में वो खराब रिजल्ट भी देगा, और ट्रांजिट में किसी समय में अच्छा रिजल्ट आएगा तो अच्छा रिजल्ट भी देगा। सिर्फ इतने से ही कह देना ठीक नहीं, उसमें और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। कोई अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन होता तो मैं उसका आंसर देता। ये एक, हाँ बोलिए बोलिए। केंद्र का अच्छा माना जाता है लगन में बैठे हुए ग्रह, जो केंद्र में बैठ, लगन के बैठ जाते हैं केंद्र में जाके, वो अच्छे माने जाते हैं। ऐसा कोई नियम है नहीं, मैं आपको लगन में बैठे हुए ग्रहों का भी बहुत बुरे रिजल्ट दिखा दूंगा। ये जो वन लाइनर बोल दिया जाता है ना, ये हमेशा गलत होता है, क्योंकि वन लाइनर एस्ट्रो में चलता नहीं। वन लाइनर एस्ट्रो में चलता ही नहीं, किसी भी तरीके से नहीं चलता। अच्छा एक सर और है कि ये अस्त्र ग्रह, तो क्या हम लोग सही कर सकते हैं अस्त्र ग्रह जो रहते हैं हम लोगों के, कोई भी हो? देखिए जैसे किसी का सूर्य से बुध अस्त हो गया हो, बुध अस्त नहीं माना जाता, बुध अस्त नहीं माना जाता, अस्त बुध अपनी सारी ताकत सूर्य को दे देता है, जो अस्त बुध होता है ना, वो अपनी ताकत सारी सूर्य को दे देता है। अस्त बुध सूर्य के माध्यम से आपको अपने फल देता है, बस इतना ही फर्क है, बुध अस्त नहीं माना जाता। ऐसे तो 70% पत्नियों में शायद बुध अस्त ही होगा, 50 में तो हो गई होगा। हाँ जी सर, क्योंकि मैंने देखा ना, क्योंकि ज्यादातर बुध तो सूर्य के पीछे ही रहता है ना, बोलने पे अस्ति है इसको। जो लोग पहली बार जुड़े हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि वो जरूर कुछ सवाल पूछे। नमस्कार। नमस्कार जी। सर प्रशांत बोल रहा हूँ, सर मेरठ से। जी प्रशांत जी। सर मेरी मेष लग्न की कुंडली है और मेरे सेकंड हाउस में सर सूर्य बुध और केतु बैठे हैं, तो सर ये वहाँ बुध अस्त है, तो वहाँ भी सर बुध अस्त माना जाएगा या नहीं? सर सर बुध अस्त होता ही नहीं, होता ही नहीं सर।
उसके फल देने के तरीके में फर्क आ जाता है, तो प्रिडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग चीजें बोली जाएंगी। बुध अस्त के असर नहीं देगा सर, मेरी केतु की कुछ और हो सकता है। सर मेरी केतु की महादशा चल रही है, उसमें बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है सर, समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा सर, इसके लिए कोई उपाय सर? सर वो तो पत्री देखनी पड़ेगी, डिटेल बताइए अपने को, मैं देखता हूँ। मेरी 3rd June 1975। केतु की दशा वैसे तो आती ही बरिस्तान करने पड़ेगी। प्रशांत नाम है ना आपका, डेट ऑफ बर्थ? 3675। सर सुबह 3:45 AM 3:45 AM से। मेरठ जी, मेरठ यूपी। फर्स्ट ज्वाइन करा है। हाँ जी, सेकंड हाउस में केतु बैठा हुआ है। जी जी केतु की दशा चल रही है आपकी। जी जी सर, और जब से शुरू हुई सर, जब से मतलब दुखी कर रखा है। काम बदला है क्या कुछ? काम से बदला तो नहीं, हाँ मतलब मैंने जॉब में था, मैं बिजनेस में आ गया था, लेकिन सर मैं वहां भी सरवाइव नहीं कर पा रहा। अरे तो वही तो जॉब बदल गया ना सर। जी पीछे साल डेढ़ साल में बदला है। जी 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 सर, धीरे धीरे सेट होगा सर, टाइम लगेगा। अच्छा सर, ऑकल्ट फील्ड में आ सकता हूँ सर? हाँ, ये टाइम नहीं है ना ऑकल्ट में आने का, ये टाइम है सर। हाँ ऑकल्ट में आने का ही टाइम है, आओगे ही आओगे, आप चाहो या ना चाहो। जितनी डिले करोगे, सुनो, जितनी डिले करोगे जी, उतना आपका सोल्यूशन आपकी लाइफ से दूर रहेगा। जो परेशानियां आ रही हैं वो तो परेशानियां अभी नहीं ठीक होंगी जब तक आप ऑकल्ट में प्रॉपर तरीके से नहीं आओगे। ऑकल्ट में आने के बाद धीरे धीरे अपने आप सारी चीजें सॉर्ट होने लग जाएंगी। सर कब तक सॉर्ट आउट हो सकते हैं सर आने के बाद, थोड़ा सा आइडिया सर? सर देखो, ये तरीका नहीं है किसी भी उपाय को करने का, मैं सच बता जी, रहा हूँ। मतलब दवाई लेने से पहले डॉक्टर से पूछना कि सर मैं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं, ये वो दवाई भी नहीं है जी। ठीक है, आपको जी, क्या जी, लगता है कि कोई अपनी मर्जी से ऑपरेट में आ जाएगा? नहीं आएगा, बहुत बहुत पढ़ना पड़ता है। और जो फोर्सफुली आएगा वो ऑपरेट में कुछ कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो तो जबरदस्ती आप किसी बच्चे को बेंच पे खड़ा कर रहे हो, ऐसी वाली हालत है। जी जी, ठीक है ना, जी, तो बेंच पे खड़े होने से बच्चा ठीक नहीं होगा। यहाँ पे तो खुद पढ़ना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, अपने केतु को शांत करना पड़ेगा। जब केतु शांत हो जाएगा तो वो कहेगा अच्छा ठीक है, मेहनत कर ली ना, अब मैं रिजल्ट दूंगा। आप बोलोगे नहीं पहले रिजल्ट का बता तब मैं तेरे लिए मेहनत करूंगा, फिर नहीं हो पाएगा, फिर हो गई। केतु शांत करने का तरीका सर कुछ यही है सर, ऑकल्ट में आने का टाइम है। आप जितना डिले करोगे, जितना डिले करोगे उतना अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को लिंगर ऑन कर रहे हो जी सर, वो नहीं सॉल्व होंगे। कुछ भी कर लो, नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अजीब सी चीजें दिखती हैं कुछ? अजीब सी एक्चुअली सर, मेरे घर में मैंने 7-8 साल पहले सर अपना मकान शिफ्ट किया, मैं जब से परेशान हूँ 2012 से बेसिकली, और मेरे घर का जो एंट्रेंस थी सर वेस्ट नॉर्थ थी, मैंने नॉर्थ ईस्ट करी सर उसको, तो मुझे थोड़ा सा आराम है सर उसे घर में। ऊंचाई चढ़ के आता है मकान का, सीढ़ियां या दरवाजा? घर के आसपास ढलान ऊंचाई कुछ है? हाँ सर है, ढलान है सर घर के आसपास, सामने पार्क के थोड़ा गड्ढे से, मतलब थोड़ा ढलान है सर सामने की तरफ। हाँ वो है, दिख रही है, सभी मैं बता रहा हूँ।